देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप एएनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देहरादून में एक मोबाइल शोरूम में चोरी करने के आरोपी को हिरासत में लेने के लिए देहरादून और पुनहाना पुलिस मेवात के पटाकपुर गांव पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसका फायदा उठाकर आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। पुनहाना पुलिस ने इस मामले में करीब 150 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला कर आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहरादून में पटाकपुर के शबीर नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोबाइल के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में शबीर के साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया था और शबीर को पकड़ने के लिए मेवात पहुंची थी, लेकिन गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर आरोपी शबीर को भगाने का काम किया। इस मौके पर एक शख्स घायल हो गया, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड से कल शाम को पुलिस आई थी किसी चोरी के मामले में। पटाकपुर गांव के शबीर को लेकर रेड के लिए पुलिस आई थी, उनको लोकल पुलिस से पुलिस सहायता दी गई थी। लोकल चौक इंचार्ज भी था, CIA के साथ में गई थी। शबीर को पुलिस ने ट्रैप कर लिया था। लोगों का हजूम इकट्ठा होने के बाद लोगों ने उनको छुड़वा लिया। सावधानी के तौर पे पुलिस को इकट्ठा किया गया है, जैसे भी हालात हो वैसे कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस जवानों के साथ नूह, तावड़ू, नगीना, फिरोजपुर, झिरका, पिनगवा थानों से और पुलिस बुला ली है, ताकि माहौल और खराब ना हो सके। नूह से यूनस अलवी की रिपोर्ट।